आपका अपने YouTube चैनल द न्यू एक्टिव वर्ल्ड में। दोस्तों आज फ्रंट लोड माइडिया के वॉशिंग मशीन के बारे में बात करेंगे। तो हाउ टू असेंबल फ्रंट लोड माइडिया का वॉशिंग मशीन है, तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। दोस्तों देख सकते हैं ये माइडिया का 7 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। इसका फ्रंट खुल गया है, आपको इसको खोलने से पहले बहुत सारी सावधानी देखना होगा। ये पत्थर का रहता है, इसको खोलने से पहले थोड़ा ध्यान से खोलना होगा और एक एक सपोर्टर को पकड़ के खोलना होगा, क्योंकि ये पत्थर का रहता है, ये टूट भी सकता है। ये दोनों बैलेंस और सपोर्ट करता है। तो दोस्त देख सकते हैं दोस्तों इसको खोला जा रहा है आहिस्ते आहिस्ते, इसका तीनों नट खोल दी खोल रहा। सामने में एक टब को फटा हुआ आपको जो नज़र आ रहा है, ये मेन रीज़न इसका चेंज करने का यही। ये देख सकते हैं सामने में टब भी फट गया, इसके टब चेंज कर रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं एक पत्थर खुल गया है, अब दूसरा पत्थर को खोलने की कोशिश की जा रही है। तो फटाफट के अंदाज में दूसरा पत्थर भी खुलने वाला है। तो दोस्तों देख सकते हैं दूसरा पत्थर भी लगभग एक स्क्रू निकाल दिया गया है, वो तीनों रहता है एक ब्लैंक रहता है। तो दूसरा पत्थर भी खुल गया है। अब आगे देख सकते हैं सामने में गैस किट है, गैस किट में एक स्क्रू लगा रहता है, वहाँ पे देख सकते हैं ये स्क्रू है, इसी को ढीला करके खोल सकते हैं तो गैस किट का जो स्प्रिंग है वो बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं गैस किट भी खुल गया है वो स्प्रिंग को ढीला करने के बाद। अब आगे चलते हैं टब के प्रोसेस को खोलने का स्टार्ट। इसमें आप दूसरी वजह देख सकते हैं, ये ड्रम जो है अंदर से वो ढक ढक है, यहाँ पर जो एक स्पाइडर असेंबली लगा रहता है, स्पाइडर असेंबली जो है तीन साइड से जो होता है वो खुल गया होगा। अब चलते हैं पीछे साइड, देख सकते हैं वहाँ टी लगा करके उसको फंसा देना है, उसके बाद यहाँ जो है रीन से उसको झटका देना है, झटका से खुलेगा वैसे नहीं खुलेगा। उसमें अच्छी तरीके से 17 नंबर का रीन चाहेगा, वो उसमें फंसा देना है, उसके बाद उसको झटका से खोलना है, वो डायरेक्टली ऐसे नहीं खुलेगा। ये सब थोड़ा हार्ड रहता है क्योंकि इसी के बल पर चारों साइड से नाचता है, घूमता है, और इसी को झटका देके खोलना होगा। देखिए वहाँ पे एक झटका दिया जाएगा तब जाकर के एकदम आराम से, देखिएगा अभी एकदम आराम से स्लोली अंदाज में वो खुल गया। तो हमेशा वो झटका देकर के खोलना है, हड़बड़ी कुछ नहीं करना है, ये सब काम में एकदम सावधानी पूर्वक करना है। आपको टूल्स की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि आराम होगा ये सब पार्ट्स खोलने में। अगर टूल्स की अच्छी व्यवस्था आपके पास है तो ये सब पार्ट्स खोलने में बहुत आराम होगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, सारी जानकारी आहिस्ते आहिस्ते आपके पास इकट्ठा हो रही है। दोस्तों देख सकते हैं ये आहिस्ते आहिस्ते स्क्रू को अब ढीला हो गया है, अब वो चक्री को जो है आराम से करेंगे और उसको टान लेंगे तो आगे निकल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं थोड़ा सा झटका उसमें भी देना होगा ताकि वो माइनस माइनस टाइप का रहता है और अंदर जा कर के फंसा रहता है, तो उसको आहिस्ते से कुछ नहीं करना होगा, एक बार झटका दिया जाएगा तो आराम से एकदम स्लोली वे में देखिए आ गया। अब वो आप सामने में देख सकते हैं ये स्पाइडर असेंबली जिसमें ये लगता है, ये उसको हम स्पाइडर असेंबली करते हैं, उसको खोल के भी आपको दिखलाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं अब आहिस्ते आहिस्ते ऊपर का सपोर्टर जो होता है, ये ऊपर का फ्रंट का सपोर्टर है। अभी दोनों जो फ्रंट का खोले थे ये अपसाइड का सपोर्टर है, तो इसका 3 स्क्रू रहता है, तीनों ये भी सीमेंट का बना रहता है, तो इसको भी सावधानीपूर्वक खोलना है ताकि, और खोलने समय 2-3 सावधानी बरतना होगा ताकि तीनों स्क्रू को खोल करके इसको सपोर्ट पकड़े ना, हो सकता है वो हिल डोल में गिर जाएगा तो टूट जाएगा। तो ये सीमेंट का बना रहता है, आपको ये सब सावधानी बरतना होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये तीनों स्क्रू आराम से ढीला हो गया, उसको उठा करके भी अब रख दिया गया है। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं ड्रम के खोलने का है। ये जो है इसी में पानी जो है इनलेट होकर के यहीं पे सर्व डाला जाता है और यहीं से इनलेट होकर के ड्रम में जाता है। तो यहाँ पे एक ब्लैक कलर का रबर रहता है, उसको आप आहिस्ते से एक स्प्रिंग टाइप का रहता है उसको ढीला कर दीजिएगा तो वो खुल जाए। तो वो स्प्रिंग को हम ढीला कर दिए हैं, अब देख सकते हैं वो भी आगे आ गया है, तो कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये हीटर है, हीटर का जो वायरिंग है आपको खोलते समय ध्यान से देखना होगा कि सारी वायरिंग को, क्योंकि फिर लगाना है। खोलते समय एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर आप पहली बार खोल रहे हैं तो सबका फ़ोटो खींच लें ताकि आपको लगाने में सावधानी हो। कभी भी हड़बड़ी में कोई भी काम नहीं करें, खोलने से क्या होगा कि आपको जो है लगाते समय आराम होगा, कभी भी अचंभा होकर के चकराइएगा नहीं। ये हीटर का था तो ये भी लगभग खुल गया। अब ये देख सकते हैं ये जो है आपको ड्रेनेज का, इसी से ड्रेन आउट होता है। अब यहाँ चलते हैं मोटर का वायरिंग है, ये मोटर का वायरिंग है, इसमें एक चौड़ा वाला मोटर का रहता है और एक अर्थिंग का रहता है, छोटा वाला थिम्बल रहता है। तो देख लिए,
दोस्तों ड्रम को जब ऊपर साइड से खोलेंगे तो सबसे पहले एक रस्सा टाइप का बीच में बांध देंगे ताकि उसका वेट उस पर आ जाएगा, और दो स्प्रिंग रहता है उसको आहिस्ते आहिस्ते उठा करके जब उसका वेट अपने हाथ पे ले लेंगे तो स्प्रिंग आराम से, देखिएगा, इस साइड का भी खुल जाएगा और उस साइड का भी खुल जाएगा, तो दोनों स्प्रिंग का वेट। उसके बाद जब ये दोनों स्प्रिंग खुल जाएगा तो देख सकते हैं एक स्प्रिंग लगभग खुलने वाला है और दूसरे स्प्रिंग भी, आप देख सकते हैं एक स्प्रिंग खुल गया है और दूसरा स्प्रिंग भी खुलने वाला है। तो अब दोनों स्प्रिंग जब खुल जाएगा तो उसका सारा वेट किस पे, देखिए खुल गया है, उसका सारा वेट पुल्ली पे चला जाता है। तो अब पुल्ली को चलते हैं, खोलते हैं। यहाँ पर एक पुल्ली रहता है, इसमें लुब्रिकेंट लगा रहता है, इसको एक पुश करेंगे तो आराम से ईजिली खुल जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा आपको तकल्लुफ़ की बात नहीं, एकदम ईजिली आपका खुल जाएगा। तो इसमें एक सबसे पहले देख सकते हैं खुल गया है। अब दूसरे पुल्ली को सेम प्रोसेस से निकालेंगे। इसमें एक चीज़ आपको सावधानी रखना है कि ड्रम का जो वेट है किसी एक आदमी रस्सी के बीच में छेद में डाल करके उसको वेट अपने ऊपर टाने रहेगा तो ये सारा ईजिली खुल जाएगा। सकते हैं आहिस्ते आहिस्ते खुलने के बाद ड्रम को आगे करके थोड़ा डाउन साइड कीजिएगा तो वो आगे आ जाएगा। तो ड्रम को अब डाउन साइड कीजिएगा तो वो मोटर सहित आ जाएगा, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, कोई लॉजिकल नहीं, एकदम डाउन साइड। अगर ऊपर का ढक्कन आप पहले खोल दिए हैं तो भी बेहतर, ऐसे भी देख सकते हैं इजिली ड्रम बाहर आ गया, इसमें मोटर लगा रहता है तो आप देख सकते हैं ड्रम कंप्लीट बाहर आ गया। जाने के बाद इसको ड्रम को एकदम सरफेस पे लेटा देना है। लेटाने के बाद उसका जो देख सकते हैं ये जो मैंने फ्रंट पे बताया था कि ये टब का फ्रंट साइड जो है अभी देख सकते हैं ये कटा हुआ है, चारों साइड से झरझरा मार दिया है और अंदर का जो टब है वो भी एकदम ढकढक टाइप का है, यानी हब हो गया, ढकढक हो गया है। तो उसमें भी आपको उसी को आप भी चेंज करेंगे तो सारा प्रोसेस आपको दिखलाएंगे, वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं ये लगभग आपको जो बताए थे वही प्रॉब्लम है। अब इसको आहिस्ते आहिस्ते फटाफट के अंदाज में खोलते हैं और सारा कुछ बताते हैं। दोस्तों देख सकते हैं इसमें 14 स्क्रू रहता है, बस 14-15 रहता है, उसको आराम से खोल लेना है। तो ये खुल गया है, आप देख सकते हैं ये ड्रम का जो है बैक फ्रंट का एकदम पहला टब खुल गया, दूसरा देख सकते हैं आप जो ये स्पाइडर असेंबली है किस तरीके से इसका बुरा हाल हो गया और किस तरीके से सर गया। तो दोस्तों देख सकते हैं ये सारा प्रोसेस है आपके सामने, तो देख सकते हैं दोस्तों कैसा। तो दोस्तों ये स्पाइडर असेंबली जो है ये सर गया है, एकदम बुरी तरीके से सर गया है। ये क्या हुआ, लॉन्ग टाइम तक चलने से। दोस्तों जब भी आप ड्रम खोलिएगा तो उसको अच्छे से सर्विसिंग कर दीजिएगा, क्योंकि बार बार ड्रम नहीं खुलता है, इसको सर्विसिंग का मतलब है कि अच्छे से कर दीजिएगा। ये जो स्टील बॉडी होता है अगर आप एक बार खोल रहे हैं तो इसको सर्विस अच्छे से कर दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं, आप एसिड ले लीजिएगा जो अभी नॉर्मल एसिड जो आता है 1200 कुछ या 1200 से 1400 के बीच में, उसको इसके ऊपर डाल दीजिए। दोस्तों देख सकते हैं इसका नाम स्पाइडर असेंबली है, ये देख सकते हैं ये पुराना वाला किस तरीके से सर गया था, इसी को चेंज किया गया है, ये देख सकते हैं ये पूरा एकदम सर गया था और ड्रम एकदम बुरी तरीके से गंदा हो गया था, देख सकते हैं ये स्पाइडर असेंबली चेंज किया जा रहा है। इसको तीनों साइड से नट रहता है, बस तीनों नट देख सकते हैं, ये स्पाइडर का तीन नट रहता है, बहुत ही हार्ड रहता है, थोड़ा आपको एडजस्ट करके इसको करना पड़ता है, अगर इसका छेद थोड़ा बढ़ गया है तो उसको प्लेन करके उसको एडजस्ट करना पड़ता है। उसके बाद उसको आहिस्ते आहिस्ते तीनों नट लगाने के बाद उसको टाइट करना पड़ता है। देख सकते हैं स्पाइडर असेंबली जो है ये आहिस्ता आहिस्ता टाइट हो रहा है, इसका तीनों स्क्रू लग गया है, उसके बाद येल करके पूरी तरीके से टाइट हो जाएगा, ये पूरा तीनों साइड फिक्स हो जाता है। इसके लिए आपको एक बॉक्स होना चाहिए इस टाइप का, देख सकते हैं एक एक करके तीनों को अच्छी तरीके से टाइट कर दिया गया है और ये स्पाइडर असेंबली जो है लगभग फिट हो गया है।
तो अब आगे चलते हैं, इसको टब में डालते हैं, उसका प्रोसेस आपको दिखलाएंगे। दोस्तों बैरिंग चेंज करते समय ये ध्यान देना है, बैरिंग को खोलने के लिए आपको पीछे साइड से दोनों अपोजिट साइड से मारिएगा तो बैरिंग निकल जाएगा। इसका इस साइड से मारिएगा और उसका उस साइड से मारिएगा तो एक एक करके बैरिंग निकल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये बैरिंग निकल गया है, बैरिंग इसका किया जा रहा है। तो बैरिंग में अब नया बैरिंग लगाया जा रहा है। बैठलने का सबसे अच्छा तरीका है कि बैरिंग के ऊपर बैरिंग रख के उसको मार दीजिए, डायरेक्ट परफेक्ट साइज में एकदम सेम बराबर फोर्स लगेगा और डायरेक्ट अंदर जा करके बैठ जाएगा। लगभग बराबर तरीके से वो देख सकते हैं आप, अंदर जाकर बैठ गया। अब इसके ऊपर एक कैप रहता है, वही उसको लॉक करके रखे रहता है। देख सकते हैं ये कैप बराबर से लेकर के एकदम प्रॉपर बैठ जाएगा आपको, कहीं से भी नहीं लगे। अंदर में भी लगा दे ये बैठ जाएगा। तब बैठने के बाद बस इसको मूंछ देना है। आहिस्ते आहिस्ते काम जो है अब कंप्लीट हो गया। देख सकते हैं ये तब हुआ, इसको डाल रहे हैं इसके अंदर। तो लगभग एक वाले जो है बैक साइड वाले पीछे देख ले, नट के अंदर कुछ चला जाएगा, इसको पलटना। देख सकते हैं ये एक वाले जो है इसमें चला गया है, ये अच्छी तरीके से बैरिंग में फिट हो गया है एकदम। ये आपको लगाते समय देख लेना है, ये एकदम फ्री चल रहा है। अब ये दूसरा जो है ये फ्रंट का हो गया, ये बैक साइड का टब था, ये फ्रंट का टब है। देख सकते हैं ये ऊपर से जो है नया टब भी लग गया। अब ये सारा स्क्रू जो है इसके अंदर 15 पीस स्क्रू रहता है, वो उसको अच्छी तरीके से एडजस्ट करना है। इसमें हीटर एडजस्ट होगा, हीटर को निकाल के अभी फिट करना होगा। देख सकते हैं ये हीटर का पॉइंट है, यहीं से जो है पानी का गर्म होता है एसी के द्वारा। देख सकते हैं ये हीटर खोल के, ये जो पॉइंट है इसी में आप देख सकते हैं हीटर जो है फंस जाता है। और यहाँ देख सकते हैं इसको खोला जा रहा है, पुराने वाले में से देख सकते हैं किस तरीके से नट में एकदम पानी में जो कार्बन रहता है उससे एकदम ब्लॉक हो चुका था। देख सकते हैं तो ये हीटर जो था अभी निकला हुआ था, वो उसको फिट हो गया। इसके बीच में एक स्प्रिंग से वो दोनों एडजस्ट हो जाता है और एक नट रहता है जो इस साइड इसी में लगता है। और ये ड्रम के ऊपर वाला टब हुआ, दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से हीटर को जो है एक सपोर्ट मिल जाता है और यहीं से ये दोनों साइड हीटर को पकड़े रहता है। ये सब काम के लिए आपको टूल्स होना एकदम परफेक्ट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप काम नहीं कर पाएंगे। सारे नट के लिए एकदम परफेक्ट टूल्स होना चाहिए, किसी भी जुगाड़ू काम मत कीजिएगा, नहीं तो आपको थोड़े से के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ सकता है। देख सकते हैं ये टब जो है कितना स्मूथ घूम रहा है। ठीक है, इधर ना बैठो, देख सकते हैं ये टब में सारा स्क्रू आहिस्ते आहिस्ते लगा करके एक बार बराबर से लगा देना है, उसके बाद बैलेंस के साथ सारे को एक यहाँ करना है तो एक अपोजिट करना है, तो उसको बोल रहे हैं सारे को बैलेंस के साथ
लॉक करना है, सबको टाइट करना है, यानी कि एक सबको एक रॉन्ग साइड और एक जस्ट उसके अपोजिट करना है। देख सकते हैं सारे को गोटी रिंग से अगर आप टाइट की देख सकते हैं, इसका चार पॉइंट रहता है, एक पॉइंट जो है सबसे पहले ऊपर इसमें लग जाता है, ये इसका जो होता है बहुत ही महीन होता है, इसको ध्यान से लगाना होगा, इसको अगर ध्यान नहीं दी जाए तो ये आगे भी आ सकता है, उल्टा पलटी होगा तो उसका सपोर्टर नहीं मिलेगा। एक यहाँ वाला लगता है और एक यहाँ वाला, दो लग गया और एक इस साइड जो है मेन वो बैठाने के बाद लगता है, और उसके बाद उसी पे इस वो जो एक बोल्ट रहता है उससे टाइट हो जाता है, और एक फॉल्स रहता है ये ना, तो मोटर लगाने में आपको बस एक ही नट पूरा टाइट होता है। देख सकते हैं तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता इसी के साथ टाइट करना है, एकदम एडजस्ट करने के बाद, परफेक्ट टाइट करने के बाद आपको सारे चेक कर लेना है, यहाँ झटके से भी देख लेना है कि परफेक्ट टाइट हुआ है कि नहीं, अपने स्क्रू ड्राइवर को रोटेट करके। दोस्तों देख सकते हैं एक ड्रम में आपको मोटर लग गया, ये ड्रेन ट्रे असेंबली हुआ, ये भी लग गया, ये वाटर लेवल सेंसर का पाइप हुआ, और ड्रम लग गया, और आपको वो असेंबली लग गया स्पाइडर असेंबली, और आगे का काम प्रोसेस चल रहा है। यहाँ से वाटर इनलेट, ये हुआ वाटर इनलेट का, कहते हैं ये वाटर इनलेट का है, ऊपर से जो है सर्फ जिसमें डालते हैं उसी के बगल से इसमें पानी जाता है, और इसी के द्वारा ड्रम के अंदर पानी जाता है। दोस्तों देख सकते हैं ड्रम किस तरीके से फिट करना है, तो इसमें बहुत सारे चीज को देखना पड़ता है, ये दोनों ड्रम जो सपोर्टर है इसी के बल पे ड्रम रहता है, इसी को इसी का ये एक दबा करके ये बाहर निकल जाता है, उसी में फंस जाता है, और इसी के सपोर्ट पे दोनों ड्रम का सारा वेट इसी पे रहता है, और स्प्रिंग ऊपर में ये यहाँ पे दोनों स्प्रिंग लग जाता है। और आप देख सकते हैं वॉशिंग मशीन के अंदर क्या क्या रहता है, फ्रंट लोड में ये हुआ वाटर लेवल सेंसर, ये नॉइज फिल्टर हो गया, और ये हो गया ड्रेन इन ड्रेन मोटर हो गया, ये वाटर इनलेट वाल्व हो गया, और ये हो गया पानी का जो है स्टोरेज, और ये हो गया सॉकर, ये दोनों सॉकर हो गया, ये ड्रेन का पाइप हो गया, और ये सारा वायरिंग है। देख सकते हैं टब को अंदर डाला जा रहा है, इधर डाला, तो देख सकते हैं दोनों स्प्रिंग दो, कौन वाला ऐसा नीचे का नीचे, अरे कोई की जरूरत डालो ना नीचे का ही, देख सकते हैं ये एक स्प्रिंग में लग गया, उसके बाद दूसरे स्प्रिंग में, वहां डालने के बाद उसको यहाँ स्प्रिंग में डाल देते हैं, उसके बाद नीचे का जो दोनों सॉकर है उसको लगभग ये वॉशिंग मशीन का हाफ काम हो गया, ये सॉकर है, इसके नीचे से वो जो है प्लास्टिक निकालने के बाद उसमें इसको जो है प्रेस करके ठेल दीजिएगा तो एक रबर टाइप का रहता है वो अंदर घुस के टाइट हो जाता है। ये सॉकर दूसरा वाला लग रहा है, इसमें भी लगा दिया गया है, अब यही जो है प्लास्टिक का नोब उसमें डाल करके धक्का दे दिया जाता है, तो वो रबर जो है अंदर सिकुड़ जाता है, फिर जा करके बाहर टाइट हो जाता है, वो दबाना पड़ता है एक साइड से ताकि रबर दबने के बाद चला जाए। दोनों जो है सपोर्टर जो था वो लग गया है, और ड्रम आपको फिट हुआ नजर आएगा, अब आगे आपको आगे का प्रोसेस भी स्टेप बाय स्टेप दिखला रहे हैं। ये देख सकते हैं ये जो है सीमेंट का रहता है, इसको बैलेंस करने के लिए रहता है, एक आगे भी रहता है, एक ऊपर में भी रहता है, और एक फ्रंट साइड में भी रहता है, दोनों वेट को बैलेंस किया जाता है इसी के द्वारा। देख सकते हैं ये तीनों इसमें स्क्रू रहता है, तीनों स्क्रू को आहिस्ता आहिस्ता पहले लगाने के बाद पूरा फिर फुल टाइट किया जाता है। देख सकते हैं ये तीनों इसमें तीन स्क्रू रहता है, एक बीच वाला फॉल्स रहता है, तो तीनों नट को आहिस्ता आहिस्ता टाइट करने के बाद
फिर सेम उसी तरीके से इस साइड भी एक सीमेंट का पल्ला लगेगा, उसमें भी तीन नट रहता है एक फॉल्स का। नट टाइट करने में थोड़ा सा आपको ताकत लगेगा, पूरी ताकत से लगाना पड़ेगा काहे कि मेन टब के फ्रंट का है। देख सकते हैं ऊपर का भी ये ठीक से करना है। आपको इस काम के लिए सबसे पहले आपका परफेक्ट टूल्स होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास परफेक्ट टूल्स नहीं है तो आप सही काम नहीं कर पाइएगा। तो लगभग सारा नट एकदम फुल टाइट हो गया है इस साइड का। अब इस साइड का भी एक बार चेक कर लेना है कि सब परफेक्ट टाइट है कि नहीं, सब बैलेंस में देख रहे हैं। ये जैक डोर लॉक का है, के सामने का पोजीशन है, इसमें थोड़ा गंदगी है, उसी को साफ कराना है। ये आप देख सकते हैं ये यही डोर लॉक है, कभी कभी ये भी खराब हो जाता है। ये देख सकते हैं ये जो है जिससे ड्रेन हाउस होता है इनलेट वाटर सेंटर मार रहा है। ये देख सकते हैं ये मोटर का जैक है, और मोटर का जैक लगाने के बाद आपको ज्यादातर जो है यही जो है आपको स्पाइडर असेंबली जो चेंज हुआ है। और एक बगल में अर्थिंग रहता है उसको भी लगा ही देना है, अर्थिंग लगाना कभी भी नहीं भूलना चाहिए, वो एक सेफ्टी प्रिकॉशन है। देख सकते हैं ये चक्री हो गया, ये एकदम आराम से जाकर के उसमें एडजस्ट हो जाएगा। आहिस्ते आहिस्ते मारिएगा तो हाथ से आहिस्ते आहिस्ते पीछे से वो ठेलता रहा ड्रम को बैक साइड से पीछे ड्रम को ठेल, ये अभी खुला हुआ है आगे ठेला है। हाँ सकते हैं आहिस्ते आहिस्ते आपको ड्रम हो गया नट खुलने के बाद ड्रम को पीछे से धक्का दीजिए तो इस साइड पूरा एकदम बराबर में आ जाएगा। उसके बाद इसमें आहिस्ते आहिस्ते पूरा फिक्स हो जाएगा। उसके बाद ये इसका जो नट रहता है वो लगा देना है। देख सकते हैं ये इसको टाइट पूरी तरीके से कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे सारा सामान इस तरीके से फुल सब है। ये आपको बॉक्स होना चाहिए, इसमें सारा सेट होना चाहिए, और ये सारा होना चाहिए, टी रिंच होना चाहिए, अच्छा वाला स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। ये गैस किट है, क्यों कभी कभी आप कपड़ा धोते हैं और कभी कभी सिक्का उक्का जा करके जो फंस जाता है तो वो इसी जगह यहाँ से लेकर के ये ड्रम के द्वारा जो है यहाँ ड्रेन में आ जाता है। इसी को हम लोग ये जो ड्रेन का नट इसको रहता है इसी को सारा सिक्का उक्का इसी को खोल के निकाल लेते हैं, कभी कभी फंस जाता है और कुछ एरर मारने लगता है तो इसी के अंदर रहता है। दोस्तों ये देख सकते हैं हीटर का जो है जैक सिस्टम है, जैक लगाने के बाद देख लीजिए सारा जैक सारे में थोड़ा दिक्कत होगा, अंदर से आराम से लग जाएगा। ये जो सपोर्टर है इसी से आपको
पकड़ पकड़ के बस उसी से अंदर घुसाते जाना होगा, उसके ड्रम के भी अंदर चला जाएगा और गैस किट को पकड़ते चला जाएगा। स्टेप बाय स्टेप पकड़ के रखना होगा तब आपको एकदम एंड तक चले जाना। देख सकते हैं ये मोटर का है, ये तो वाटर लेवल सेंसर का है, ये वाटर इनलेट वाल्व का है और बाकी एयर सेंस उसका सेंसर का है। वायरिंग में कुछ नहीं है, नीचे लगा देना है। उसके बाद नीचे लगाने के बाद इसको यहाँ से आहिस्ते आहिस्ते इसको इसी तरीके से लेके चलना है। उसके बाद इसको यहाँ बैलेंस सब तरफ कर लेना है, उसके बाद इसको ऐसे कर देना है। देख सकते हैं ये बैठ गया है दोस्तों, फाइनली ये वॉशिंग मशीन पूरा फिट हो गया है। आप देख सकते हैं सारा वॉशिंग मशीन का एक एक पार्ट खोल दिया गया था और सारा आपको फिट करके मैंने लगभग देख सकते हैं। ये एक प्रोग्राम ऑन करके मैंने स्पिन के बारे में देख सकते हैं, ये स्पिन के कर दिए हैं और स्टार्ट बटन को दबा दिए हैं तो ये स्पिन हो रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, और जो भी परेशानी आती है इसमें आप मेरे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें।